नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, आपको बता दें वाराणसी में क्लास 3 की छात्रा से वॉशरूम में रेप कर दिया गया है। दोस्तों बात करेंगे इस पूरी खबर की विस्तार से, लेकिन दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि देश प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी बढ़ती चली जा रही है, केंद्र सरकार और कानून बनाने में लगी है, केंद्र सरकार को इन सब बातों पर भी ध्यान देकर इन सब बातों पर भी रोकथाम करनी चाहिए, ऐसी घटनाओं के बारे में भी कोई कानून बनाना चाहिए जिससे आरोपी ये काम करने से पहले हजार बार सोचे। दोस्तों आप भी हमारी इस बात पर सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, वाराणसी में एक बड़े निजी स्कूल में कक्षा 3 की छात्रा से रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। लहरतारा स्थित सनबीम स्कूल के वॉशरूम में कक्षा 3 की छात्रा को स्वीपर ने हवस का शिकार बना दिया। स्कूल से घर पहुंची बच्ची की आपबीती सुनकर परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने जांच के दौरान स्कूल के स्वीपर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी स्वीपर के खिलाफ रेप की धारा 376 IPC 910 पोक्टो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। उधर बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों घटना सीगरा थाने के सनबीम लहरतारा स्कूल की है। जानकारी के मुताबिक रथ यात्रा के रहने वाली परिवार की 9 साल की बच्ची कक्षा 3 में पढ़ती है। रोज की तरह गुरुवार को भी वे स्कूल पहुंची थी। इसी दौरान दोपहर में बच्ची वॉशरूम में गई तो स्वीपर भी घुस गया। उसने बच्ची के साथ दरिंदगी की, उसकी चीखने पर डरा धमका कर चुप करा दिया। डरी सहमी बच्ची ने स्कूल में किसी को कुछ नहीं बताया। बच्ची घर पहुंची तो कपड़ों में ब्लड लगा देख मां ने पूछा कि बच्ची की आप बीती सुनकर परिवार वालों में हड़कंप मच गया। तत्काल मां भी अन्य परिजन बच्ची को लेकर स्कूल पहुंच गए। सूत्र बताते हैं कि करीब 2 घंटे तक स्कूल वालों से ताक झांक होती रही। इसके बाद परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि परिजन स्कूल पहुंचे तो घंटा मामलों में दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मासूम के साथ हुई इतनी गंभीर वारदात पर परिजन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने CCTV फुटेज खुलवाए। आरोपी स्वीपर लहरतारा के सिंकू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी स्वीपर से पूछताछ में जुटी है। दोस्तों आप देखिए किस तरीके से देश प्रदेश के अंदर ये घटनाएं अब आम हो गई। केंद्र सरकार के हर मंत्री हर नेता ये कहते हैं कि देश में ऐसी घटनाएं नहीं हो रही, लेकिन रोज के रोज ऐसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। दोस्तों आपकी क्या राय इस खबर को जानकर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।